नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल पावर ब्लॉग्स में। प्राची छत्तीसगढ़ से, और यार थोड़ा सा वॉइस थोड़ी हैवी लग रही होगी ना। सुबह का टाइम है, सुबह ही क्या बोले, 10:30 का टाइम है। देखिए सारी क्लासेस जो है वो खाली हो चुकी, बाहर अंदर सब खाली हो गया है। इसके बाद ही मैं आपसे बात कर रही हूँ, और थोड़ा सा ना हैवी रहता है। मतलब अगर एक कप चाय मिल जाए तो मेरे ख्याल नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वही है ना कि अब जाऊँगी उसके बाद ही थोड़ा सा कुछ होगा। और आज मैं आपके साथ कुछ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। आज देखो सारा टाइम तो सुबह से लेकर शाम तक का नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ आज मैं ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे मैंने जैकेट और स्वेटर पहना है अभी भी। मुझे सही में बताऊँ बाकी उससे बहुत ठंड लगती है। बच्चे अभी कई बच्चे जो है वो वापस टी शर्ट में आ गए। मेरे ख्याल 4-5 केस होंगे जब भी जैकेट में आ रहे हैं। है मॉर्निंग टाइम है, जल्दी उठते तो थोड़ा ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन जैसे मैं हिमाचल की हूँ तो लोगों को उम्मीद होती है कि मुझे इतनी ठंड से क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन मेरे को ना सबसे ज़्यादा ठंड लगती है इन लोगों में। और अभी भी मतलब ये मेरा उतरा नहीं है, शाम तक हाँ थोड़ा सा उतर जाएगा, ये वाला पोर्शन उतर जाएगा, लेकिन स्वेटर तब भी रहेगा। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और देखो आज क्या क्या चीज़ें नहीं होती। ये देखिए इतना इधर नॉइस पोल्यूशन है कि क्या बताऊँ। एक भी टाइम ऐसा नहीं होता कि रोड जो है सुनसान रहता हो। तो यहाँ पर देखो आप, ये पत्ते जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कितनी धूल इनमें बैठी है। और ये जस्ट एकेडमी के साथ लगा हुआ ये पेड़ है ये, और हर एक चीज़ दीवारें पूरी धूल धूल हो रखी है। और इसका कारण मैं आपको बताती हूँ क्या कारण है इसका। और ये देखिए पूरा एरिया ये देखिए डस्ट से भरा। ये देखिए यहाँ पर साइड में जो है जेसीबी की खुदाई चल रही है, और ये साइड में बोर्ड देख रहे हो आप, ये बोर्ड जो है हमारा बच गया है, और थोड़ा सा इन्होंने टेढ़ा टर्न किया, नहीं तो ये बोर्ड जाने ही वाला था। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता, लेकिन बन जाता दोबारा भी। तो अभी जस्ट मेरी क्लास फिनिश हो गई है, 7:30 का टाइम हो गया है, और बाहर देख पा रही हूँ यार बिल्कुल अंधेरा। और आज जो है हमारा जो बाहर साइन बोर्ड है एकदम, मतलब क्या बोलूँ, टूटते टूटते बचा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती कि अगर वो टूट भी जाता, लेकिन हाँ थोड़ा बनने में टाइम लगता है। एडमिशन का अभी समय है, वापस से वो वापस सारी चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बस गया हो गया। बस प्रॉब्लम यही है, धूल इतनी ज़्यादा है इस एरिया में कि खोद के तो लोग निकल गए, लेकिन जो धूल है वो इतनी ज़्यादा है कि टू टाइम जो है डस्टिंग करनी पड़ जाती है रिसेप्शन एरिया में। क्योंकि बिल्कुल जहाँ सड़क का एक फ़ायदा होता है, वहाँ पर इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। एक साउंड पोल्यूशन इतनी ज़्यादा, दूसरा डस्ट बहुत ज़्यादा। तो चलो अब करते हैं अब थोड़ा डिनर की तैयारी, और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। ये है मेरा आज का डिनर, सिंपल रोटी और ये पालक पनीर की सब्जी। और शाम को मैं रात को चावल नहीं खाती हूँ, और ये दाल, थोड़ा सा घी खाने की मेरे को आदत है। बस यही मेरी सिंपल सी रोटी, अचार वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ मैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। जेसीबी की जो खुदाई थी उसने मूड थोड़ा सा ऑफ कर दिया था, लेकिन चलो सब कुछ बाद में अच्छा ही हो गया, तो अंत भला सो सब भला। तो चलिए मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड नाइट, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।